खिदमत का जोश कब इसने वलवला मारा कि नहीं मेरा ख्याल है कि मुझे अब ये करना चाहिए? ये जवाब तो आप खुद अभी दे चुके हैं कि अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देता है। ये तो आपने जवाब दे दिया, मैं क्या जवाब दूँ? फैसल भाई सच है ये कि मुझे नहीं पता था मैं इतना ज़्यादा इसमें चला जाऊँगा, और कभी कोई निकाले या मैं खुद निकलने का सोचूँ तो मैं इसमें से निकल नहीं पाऊँगा। कल मैं कुछ नहीं था, एक सारिम था, एक आम सा आदमी जैसे चलते फिरते जा रहे होते हैं, किसी को नहीं पता था ये कौन जा रहा है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अल्लाह पाक ने एक इज्जत का मुकाम दिया हुआ है। लेकिन आज मुझे ऑफर्स भी बहुत हैं सियासी दीगर हवाले से, लेकिन मैं कोई अवेल नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ने मुझे जिस काम से इज्जत दी है, मैं अगर कुछ कर पाया, नहीं कर पाया तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कुछ कर पाया ना तो मैं अपनी इस फील्ड में, इस काम में जो है ना, कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे इस कौम का भला हो जाए। मैं तो बड़ी माजरत के साथ मुल्क की भी बात नहीं करता, मैं कहता भाई कौम को फोकस होना चाहिए। जमीन तो जमीन है, पूरी दुनिया की जमीन है, लेकिन इंसान जो है ना उसको तरजीह देना चाहिए। इंसान अगर गिरा हुआ कहीं किसी भी जमीन पे मिलता है ना, उसको थाम लो, किसी भी मजहब का है, किसी भी जबान का है, उसको थाम लो। तो मेरा तो आज वही फोकस है कि बस जो इंसानों के लिए मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। मकसद ऐसी ऐसी चीजें जिंदगी में फैसल भाई देख रहा हूँ, यकीन तो उठ गया अगर सच पूछें ना, बाप को बाप कहते हुए जो है ना कोई वो हो रहा होता है, ना भाई को भाई कहते हुए, ना औलाद को औलाद कहते हुए, किसको नहीं देखा हमने या आपने? अब बाप को बेटे को मारते देखा, बेटे को बाप को मारते देखा, भाई को भाई को मारते देखा, औलाद को माँ को मारते देखा, सब कुछ तो देख लिया हमने इतनी सी जिंदगी में, कहते ना बड़ी छोटी सी जिंदगी। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।